स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि देखो बचे हुए जो आपके पास रिमेनिंग डेज है, मैं काउंट नहीं करना चाहता हूँ। रिमेनिंग डेज को आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, रिमेनिंग आवर्स को आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो कि आप 100 में खेल सकते हो, ठीक है। चाहे आप क्लास 10th का स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 12th का स्टूडेंट हो, तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करने चाहिए बच्चे के दिन में, किस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने चाहिए, किस तरह के कॉन्सेप्ट पर आपको फोकस करना चाहिए कि आप सीबीएसई में ओके 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। इंडिया के किसी भी कोने में आप क्यों ना बैठे हो, चाहे आप दिल्ली में बैठे हो, मुंबई में बैठे हो, ठीक है, कहीं पे भी बैठे हुए हो, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हो तो मैं आपके लिए एक प्रोग्राम लेकर आया हूँ, जिस प्रोग्राम के तहत आपको एवरीडे टास्क दिया जाएगा, ओके, और आपके माइंड को ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, कि आप ओके 100 पर पहुंच पाओ, ठीक है। इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट कुछ भी आपको कंप्लीट सिलेबस कराने का नहीं है, ठीक है। तो ये चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, अगर आप इस कोर्स के लिए इनरोल करते हो, इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं कराया जाएगा, जैसे कि हम कंप्लीट 1 ईयर प्रोग्राम में करते हैं। 1 ईयर में जो हम आपको देते हैं वो हम कुछ भी यहाँ नहीं देने वाले हैं, हम सिर्फ आपको यहाँ पर टू द पॉइंट ही बात करने वाले हैं, जो क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पर आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और उस क्वेश्चन फ्रेम के कॉन्सेप्ट तरीके को आप समझ करके एग्जाम में ओके आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने की तरफ टैग कर सकते हैं। अगर हम क्लास 10 की बात करें तो जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग से बोलते आए हैं कि सबसे ज्यादा आपको फोकस हिंदी पर करना चाहिए, ठीक है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 100 आउट ऑफ 100 ले आओ तो आपका गेम फिर आसान हो जाता है, ठीक है। सेकेंड आइटम पे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको सोशल स्टडीज पे फोकस करना चाहिए, सोशल स्टडीज पर आपको 100 आउट ऑफ 100 खेलने के लिए आना चाहिए। थर्ड पर मैं आपको बोलता हूँ कि इंग्लिश पे आपको खेलने के लिए आना चाहिए 100 आउट ऑफ 100। एंड फोर्थ पर मैं आपको बताता हूँ हमेशा साइंस में कि साइंस में आपको 100 आउट ऑफ 100 खेलने के लिए आना चाहिए। और फिफ्थ मैं आपको मैथ्स हमेशा बोलता हूँ कि आप 100 आउट ऑफ 100 खेलने के लिए आना चाहिए। आपका ये किस तरीके से आप खेलना चाहते हो, किस तरीके से आप खेलने वाले हो आने वाले समय में, वो सारी ट्रेनिंग हम आपके साथ ओके वन बाय वन पर्सनल ट्रेनिंग में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 12th 12th में अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है किसी भी शहर में इंडिया के, अगर आप 100 आउट ऑफ 100 एमसीक्यू पर की बात करेक्ट करना चाहते हो, बाउंस करना चाहते हो, तो आप चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, ठीक है, यहाँ पर आप किस तरीके से अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को कि आपका क्वेश्चन ओके 10 to 100 स्कोर की तरफ जाए, वो प्रॉपर हम आपको ट्रेनिंग देंगे। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कोई भी कंप्लीट सिलेबस इलस्ट्रेट नहीं करने वाले, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस को इलस्ट्रेट करने के लिए आपको 1 ईयर की टाइमिंग चाहिए होती है। तो बचे हुए दिन में, बचे हुए आवर्स में हम किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज करें कि हम अपना बेस्ट दे सकें, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हम आपको निकाल करके दे। तो मैं चाहता हूँ कि आप बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकाल करके दो, ठीक है। तो आई होप आप सब ओके बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट अपना देने की कोशिश करोगे। टिल देन बाय।